तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में एक न्यू टीजर जो है तो वो सामने आया है होंडा वालों की तरफ से। और जैसे ही देख सकते होंगे इसी टीजर के अंदर लिखा गया है अहेड, और इसके ही साथ साथ एक और भी चीज की भाई डेट भी दिया गया है जो कि 27 नवंबर को है, और वो भी 2024 के ही अंदर। और इसके ही साथ साथ टाइमर कुछ ऐसा दिया कि सुबह के 10 बजे। बाकी बात कुछ ऐसे कि ये जो न्यू एक टीजर है ना, तो ये सा बात है कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का टीजर है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ऐसा दबा है कि ये जो न्यू अपकमिंग स्कूटर जो होंडा कंपनी की तरफ से आएगा ना, तो वो होंडा कंपनी का इलेक्ट्रिक एक्टिवा या फिर एक्टिवा ईवी करके एक न्यू स्कूटर जो है तो वो होने वाला है। बाकी वीडियो को आगे पूरा देखते रहना। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकन ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों अभी हाल फिलहाल में होंडा कंपनी की तरफ से ऑफिशियली एक न्यू टीजर जो है ना तो वो रिलीज किया गया है, जिसके अंदर देख ही सकते होंगे लिखा हुआ है व्हाट्स अहेड। और इसके ही साथ साथ एक और भी चीज की भाई इसी टीजर के अंदर जैसे कि देख ही सकते होंगे 27 नवंबर जो है ना तो वो डेट देखने को मिल रहा है। साथ में एक और भी चीज की भाई डेट के साथ साथ भाई टाइम भी दिया गया है जो कि है सुबह के 10 बजे। और इसके अलावा एक और भी चीज की भाई ये जो पूरा का पूरा चीज है ना, तो ये है भाई कि इलेक्ट्रिक स्कूटर का या फिर इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का। और ये चीज को देखते हुए बहुत सारे लोगों का ऐसा कुछ दावा है, मतलब एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा ही है कि ये जो न्यू एक स्कूटर सामने जो आएगा ना, तो ये एक भाई एक्टिवा करके न्यू मॉडल होने वाला है इलेक्ट्रिक वाला होंडा वालों की तरफ से। अब बोला कुछ यही जा रहा है कि होंडा कंपनी का जो अपकमिंग उनका जो न्यू एक्टिवा ईवी करके मॉडल आएगा ना, तो उसके अंदर कुछ न्यू चीजें देखने को मिलने वाला है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको जो देखने को मिलेगा ना, तो वो है कि न्यू लुक, जो कि आज के डेट का जो होंडा एक्टिवा करके जो मॉडल है ना, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि उससे बेस्ड एक न्यू मॉडल जो है तो वो कुछ देखने को मिलेगा डिजाइनिंग में। साथ में एक और भी चीज की भाई उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा जो रेंज ना न्यू वाले एक्टिवा इलेक्ट्रिक वाले के अंदर, तो वो देखने को मिलेगा एक बार फुल चार्ज करने के बाद। एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि भाई 70 से लेके 120 km के आसपास, मतलब कि भाई एक बार फुल चार्ज करने के बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा है जो ना, तो वो अगर सही में अगर हो जाता है तो भाई बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। और इसके अलावा एक और भी चीज की होंडा एक्टिवा ईवी के अंदर बोला कुछ यही जा रहा है कि ब्रेकिंग सिस्टम में आपको देखने को मिलेगा डिस्क ब्रेक भी। साथ में एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि भाई कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम देखने को मिलेगा, और अगर कॉस्ट कटिंग करता है तो ड्रम ब्रेक के साथ में कॉम्बाइन ब्रेकिंग सिस्टम। और इसके अलावा एक और भी चीज की होंडा एक्टिवा ईवी के अंदर भाई पूरे तरीके से जो लाइट्स का सेटअप है ना, तो वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि भाई एलईडी के अंदर अंदर होने वाला है, जिसके अंदर आपको एक न्यू स्टाइल का डीआरएल जो है ना तो वो कुछ देखने को मिलेगा एलईडी में। और इसके अलावा एक और भी चीज की होंडा एक्टिवा ईवी के अंदर बोला कुछ यही जा रहा है कि जो मीटर कंसोल भी होगा या फिर होंडा कंपनी का न्यू जो एक्टिवा इलेक्ट्रिक या फिर जो होंडा कंपनी का न्यू जो इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर जो मीटर कंसोल देखने को मिलेगा ना, तो वो भी एक फीचर लोडेड वाला होने वाला है ऐसा ही एक्सपेक्ट किया जा रहा है, जिसके अंदर पहले बात तो पूरे ही तरीके से डिजिटल वाला एक जो फंक्शन है मीटर कंसोल में, तो वो कुछ देखने को मिलेगा, जिसके अंदर एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि राइडिंग मोड्स भी देखने को मिलेगा, जिसके अंदर इको मोड जो है ना तो वो सबसे ज्यादा काम का जो है तो वो साबित होने वाला है। और इसके अलावा एक और भी चीज की भाई होंडा कंपनी का न्यू अपकमिंग जो इलेक्ट्रिक स्कूटर भी आएगा ना, तो उसके अंदर बोला कुछ यही जा रहा है कि ब्लूटूथ नेविगेशन जो कनेक्टिविटी है तो वो भी देखने को मिल सकता है। साथ में एक और भी चीज की भाई होंडा एक्टिवा ईवी वाला जो मॉडल या फिर होंडा कंपनी का न्यू जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक वाला जो स्कूटर अभी आएगा ना, तो उसके अंदर बोला कुछ यही जा रहा है कि भाई फिक्स्ड बैटरी जो है तो वो कुछ देखने को मिल सकता है, मतलब कि भाई स्वैपेबल बैटरी वाला जो सिस्टम है ना, तो उसका चांसेस भाई बहुत ज्यादा कम है। और सच बताऊं भाई एक और भी चीज की होंडा वालों का अपकमिंग ये जो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है ना, तो इसके अंदर भाई जो सस्पेंशन सेटअप भी जो रहेगा ना, तो वो होने वाला है सामने भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे वन साइडेड वाला कॉइल वाला हाइड्रोलिक शॉक। बाकी एक और भी चीज बोला जा रहा है कि होंडा वालों की तरफ से जो न्यू उनका इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आएगा, तो उसके भी अंदर आपको बूट स्पेस अच्छा खासा देखने को मिलेगा, लेकिन भाई जो पेट्रोल वाला स्कूटर है ना तो उतना नहीं देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा कुछ अभी एक्सपेक्ट किया जा रहा है। बाकी तो एक और भी चीज की होंडा कंपनी की तरफ से जो उनका न्यू जो अपकमिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आएगा ना, तो उसका जो प्राइस अभी रेट में जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है शोरूम प्राइस, तो वो बोला जा रहा है कि भाई 60,000 से लेके 1.10 लाख के अंदर अंदर। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई, और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूं क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।